हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, ये ओप्पो का फ़ोन है और इसमें अचानक जो है टच काम करना बंद कर दिया दोस्तों। तो ओप्पो का आपका कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है, तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको रिबूट करना चाहते हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो है इसका टच काम करना बंद कर दिया दोस्तों। तो ऐसे में आपको क्या करना, रुको जरा, सबर करो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। ओप्पो का आपका फ़ोन है, यदि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है या मतलब कभी भी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए हो सकता है दोस्तों, तो आपके पास ओप्पो का फ़ोन है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको रिबूट करना चाहते हैं और स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो है इसका टच नहीं काम कर रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को हमें 10 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखना है, उसके बाद हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। वहाँ वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो लगभग 10 सेकंड तक हमें प्रेस करके रखना है, उसके बाद हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होगा। उसके बाद हमारे मोबाइल में जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा वो सही हो जाएगा। जैसे अचानक हमारा फ़ोन का जो है टच काम करना बंद कर दिए, या अचानक डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाए, या माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर दें, यानी अचानक से आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके देख लेना है। और रिबूट करने में आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम घर पर ही सही हो जाए दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, ऑन होने में थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, तो आपको एक बार अपने फ़ोन को रिबूट करके जरूर देख लेना है। आपको दुकान के पास जाने से पहले आपको एक बार अपने फ़ोन को घर पे ही आप वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके जरूर देख लीजिए। कभी कभी हैंग हो जाता है हमारे मोबाइल जो है, तो उसका जो है टच काम करना बंद कर देता है, डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है, माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ अचानक हो जाता है तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। कभी कभी मतलब हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, तो आपको रिबूट करने में कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। तो रिबूट कर लीजिए एक बार फ़ोन को, रिबूट करके ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जो है इसका टच काम करता है या नहीं करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका टच जो है काम करने लगा है, यहाँ पे देख लीजिए इसका टच काम करने लगा है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।